अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी स्क्वाड के वाले से। पाकिस्तान का स्क्वाड एशिया कप 2023 के लिए कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, उन तमाम खिलाड़ियों के बारे में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं और किस जो खिलाड़ी के पास जो कैप्टेंसी रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर के वक्त को ज़ाया किए। जी तो गाइस, पाकिस्तानी स्क्वाड के वाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले जो खिलाड़ी हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी टीम में एज अ कैप्टन खेलेंगे। उनके बाद अगर हम विकेट कीपर की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट और एक अच्छे प्लेयर हैं। नंबर थर्ड पे जिस प्लेयर की हम बात करेंगे वो हैं फ़खर जमान, जो कि इन फॉर्म बैट्समैन है। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ पे तो इमामुल हक, जो कि एक बहुत अच्छे जो है बैट्समैन है। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर की लिस्ट में जो कि पाकिस्तान का स्क्वाड है एशिया कप 2023 के लिए, उसमें ऑलराउंडर में मोहम्मद नवाज़, जो कि एक स्पिन बॉलर और इसके साथ बैट्समैन है। इसके अलावा जो अगर एक और हम अपने ऑलराउंडर की बात करें तो उसमें आते हैं हमारे शादाब खान, जो कि लेग स्पिन बॉलर और इसके साथ जो है वो एक अच्छे बैट्समैन भी हैं। अगर हम अपने फास्ट बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तानी स्क्वाड में एशिया कप के लिए 4 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया है। उनमें नंबर 1 है शाहीन शाह अफरीदी, सेकंड नंबर पे जो फास्ट बॉलर हैं वो है नसीम शाह, थर्ड नंबर पे जो फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम है हारिस रूफ, जो कि स्पीड गन के नाम से जाने जाते हैं, और दी फाइनल एंड दी लास्ट वन प्लेयर जिसका हम नाम लेना ज़रूर शामिल करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छे बॉलर भी हैं, जिनका नाम है मोहम्मद वसीम जूनियर। तो ये है पाकिस्तान का स्क्वाड, पाकिस्तानी टीम 11 जो कि एशिया कप 2023 के लिए सिलेक्ट की गई है। अगर आप इसी तरह के क्रिकेट की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।